बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एवरीवन, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है स्टेयरकेस के बारे में, पार्ट थ्री मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट रहेगा नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्टेयरकेस की टॉपिक की तरफ। तो मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा हूँ, हाउ टू सेट द स्टेयरकेस, ये पार्ट थ्री है। हाउ टू सेट द स्टेयरकेस इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, बोल सकते हैं एनी अदर बिल्डिंग्स, इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये हमारी टॉपिक है। ठीक है आपको दिख रहा है अच्छे से? देखिए यहाँ पे टॉपिक है हाउ टू सेट द स्टेयरकेस इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। स्टेयरकेस को जो हमारा सीढ़ी जो होता है वो बिल्डिंग में हम किस तरह से सेट करना चाहिए, एंड विच लोकेशन, कौन सी जगह सेट करना, एंड विच लोकेशन, कौन से लोकेशन में सेट करना चाहिए वो बता रहा हूं मैं इस वीडियो में। तो देखना है आपको वीडियो शुरू से लेके आखिर तक। तो कौन सी जगह पे हमें स्टेयरकेस सेट करना चाहिए, सीढ़ी को सेट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिंपल एक प्लान बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सिंपल एक प्लान बता रहा हूँ, ठीक है ओके। और यहाँ पे एक प्लान आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल एक प्लान बता रहा हूँ। तो ये प्लान हो गया। तो यहाँ पे प्लान ए है, इसे कह सकते हैं प्लान ए और इसे कह सकते हैं प्लान। तो फ्रेंड्स एवरीवन एंड ब्यूटीफुल व्यूअर्स, देखिए प्लान ए प्लान बी है, सिंपली मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। इसमें रूम भी बता दूंगा आपको, सॉरी आप ही बताइए यहाँ पे स्टेयरकेस कहाँ पे सेट करना चाहिए। स्टेयरकेस का यहाँ पे सेंटर में सेट करना चाहिए क्या, यहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, समझ लीजिए। इसका एरिया जो है ये है 30 फीट, ये है 40 फीट, ये है 40 फीट, ये है 30 फीट। तो कौन से पार्ट में हमें स्टेयरकेस को यहाँ पे डालना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा। और मेरा ओपिनियन ये है, आपका जो स्टेयरकेस रहेगा वो आपको हमेशा याद रखिए, समझ लीजिए ये वाला आपका रोड है, ये वाला आपका रोड है, एक ही रोड है एग्जांपल, ठीक है। तो आप स्टेयरकेस को इस डायरेक्शन में आप सेट करेंगे तो बेटर रहेगा। ये है आपका 30 फीट, 30 फीट में से आपका अप्रोक्सीमेट समझ लीजिए, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम बता रहा हूँ 20 फीट तक चला जाएगा आपका स्टेयरकेस में। 16 टू 18 फीट जगह लगती है स्टेयरकेस को, कितनी, 16 फीट से लेके 18 फीट जगह लगती है स्टेयरकेस को। बट यहाँ पे मैं 20 फीट पकड़ रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्टेयरकेस के लिए। रिमेनिंग जो आपका पार्ट रहेगा वो 10 फीट रहेगा, 10 टू 12 फीट आपका रहेगा, बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका इस तरह से स्टेयरकेस आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका लैंडिंग रहेगा और ये आपके स्टेप्स रहेंगे इस तरह से, ये आपके स्टेप्स रहेंगे। और ये वाला जो रहेगा आपका पार्किंग कह सकते हैं, इतना पार्किंग जितना भी ये जो एरिया बचेगा ना, यहाँ पे आपके रूम्स आएंगे, आपका किचन आएगा, हॉल आएगा, और जो जो भी आप चाहते हैं जैसा कि कॉमन बेडरूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, चिल्ड्रन बेडरूम हो गया, पूजा रूम हो गया, नमाज रूम हो गया, जो जो भी रूम्स रहेंगे यहाँ पे सेट होंगे। जो रिमेनिंग जो एरिया है पार्ट है, ये जो आपका रहेगा स्टेयरकेस का एरिया, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी रहेगी, प्राइवेसी रहेगी, जैसा कि आप ऊपर में और एक फ्लोर बना रही है, आपका एक फ्लोर हो गया सपोज, ऊपर में और एक फ्लोर है और एक फ्लोर है, समझ लीजिए 3 फ्लोर हो गए। ये स्टेयरकेस आप यहाँ पे देंगे तो इसी तरह से ये सेपरेट में हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टेयरकेस देंगे तो नेक्स्ट जो फ्लोर रहेगा यहीं से आएंगे जाएंगे, रिमेनिंग पोर्शन को आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं ना प्राइवेसी प्रॉब्लम होगा ना सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा, और आने जाने के लिए बेटर रहेगा, वेंटिलेशन एवरीथिंग इज गुड, हर चीज आपको अच्छा रहेगा। अगर आप समझ लीजिए सपोज आप सेंटर में स्टेयरकेस लेते हैं तो यहाँ पे ये हो गया लैंडिंग, ये हो गया आपके स्टेप्स, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, रूम्स का प्रॉब्लम हो सकता है, हॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, किचन का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आई सजेस्ट यू, आई रिकमेंड यू, काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स, सो वी हैव टू टेक एंड आई सजेशन टू यू। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जगह में आप स्टेयरकेस देंगे तो बेटर रहेगा, इसको यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, और एक आपको प्लान यहाँ बता रहा हूँ
देखिए यहाँ पे ये वाला एक प्लान है, अज्यूम कीजिए। तो इसको स्टेकेस को ऐसा भी ले सकते हैं आप, या फिर स्टेकेस को इस तरह से